नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 16 जुलाई 2024 की दिन में 11:18 पर सूर्यदेव मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा से प्रभावित कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 15 अगस्त 2024 तक सूर्यदेव कर्क राशि में संचरण करने वाले हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, ये जानकारी देने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य देव को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। सूर्य केवल एक राशि सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं। मेष राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, वहीं जब ये तुला राशि में जाते हैं तो ये काफी नीच का फल देने लगते हैं। अगर किसी भी राशि के जातक की जन्म कुंडली में सूर्यदेव बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी मिलती है। देखिए, बलवान सूर्य का प्रभाव जातक को कर्म क्षेत्र में शीर्ष बुलंदी पर पहुंचाता है और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जीवन के विपरीत परिस्थितियों में जो कठिनाइयां होती है, संघर्ष होता है, उससे लड़ने की जो क्षमता होती है वो सूर्य का बली प्रभाव ही जातक को देने लगता है। यानी सूर्य अगर बलवान हो तो सूर्य की पावर ही ऐसे व्यक्ति को संघर्ष में सहायता करती है। सूर्य जन्म कुंडली में बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता आसानी से मिलती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान भी देखने के लिए मिलता है। साथ में ऐसे व्यक्ति के अंदर जीवनी शक्ति काफी ज्यादा पर्याप्त होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि भी सूर्य करते हैं। कुंडली पर अगर सूर्य कमजोर अवस्था में विराजित हो समस्या ज्यादा देने लगते हैं। देखिए, सूर्य के पीड़ित होने पर हड्डी में बीमारी होने लगती है, आंखों से जुड़ी हुई बीमारी, हृदयाघात होना, चर्म रोग की समस्या शरीर में होती है तथा सूर्य के कमजोर होने पर पिता के साथ लगातार मतभेदों का सामना भी करना पड़ता है। ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी सरकारी क्षेत्रों में सफलता ना के बराबर मिलती है। अब आइए हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों, सूर्य महाराज जो हैं वो आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह माने जाते हैं और देखिए आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। 16 जुलाई 2024 को आपके भाग्य भाव यानी आपके 9th हाउस में इनका प्रवेश होने वाला है। कुंडली के नवम भाव से भाग्य, धर्म, पितातुल्य लोगों के बारे में, धार्मिक यात्राओं के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, नवम भाव जो है सूर्य की बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट होती है। यहां पर मौजूद सूर्यदेव वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की शुभता देने वाले हैं। देखिए जातकों, आपके जीवन में वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है, इसकी वजह से आपको मानसिक परेशानियां भी लगातार हो रही है और कर्म क्षेत्र में भी आपको समस्याएं लगातार मिल रही है। लेकिन वृश्चिक राशि वाले जातकों, चूंकि भाग्य भाव पर सूर्य प्रभावी रहेंगे तो करियर के मोर्चे पर आपको प्रगति और सफलता आसानी से देने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में
भाग्य की उन्नति और भाग्य का भरपूर सहयोग इस समयावधि में मिलने वाला है। देखिए, यदि आप किसी प्रकार का मान सम्मान कम पा रहे हैं, यदि आपके जीवन में सम्मान की कमी बनी हुई है और सभी चीजें आपके जीवन में मौजूद हैं, केवल सम्मान नहीं है, तो इस समयावधि में सूर्यदेव आपका सामाजिक उत्थान करने वाले हैं। परिवार में भी सम्मान आपको आसानी से दिलाने वाले हैं। हालांकि सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है दर्शकों, वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ने वाली है, पराक्रम भाव पर पड़ने वाली है। इसका प्रभाव ये होगा कि जातक अपने जीवन में काम के प्रति काफी ऊर्जावान रहने वाले हैं और वृश्चिक राशि के ऐसे जातक, देखिए, जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, यह समय आपके जीवन में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इस समयावधि में आपके जीवन में धार्मिक यात्राओं होने वाली है, आपको नवीन ट्रिप पर जाने के लिए अवसर भी मिल सकता है। धार्मिक प्रयोजनों में सम्मिलित होने के अवसर भी आपको काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो जातक एजुकेशन फील्ड में जुड़कर अध्ययनरत हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय शुभकामनाओं से भरा हुआ रहेगा, उपलब्धि काफी ज्यादा देने वाला है। उसके साथ साथ जातकों, इस समयावधि में एक खास बात आपको जरूर ध्यान रखकर चलना होगा। इस समयावधि में रिश्तों में आपको अहंकार यदि आप लेकर चलते हैं तो आपको वैवाहिक जीवन काफी ज्यादा दुखमय रह सकता है। और इस समयावधि में जातकों को, चूंकि पिता के साथ और घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को यदि धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों को ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करने के पश्चात यदि आप सूर्य को जलाभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। दूसरा उपाय यह है कि यदि आप बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, देखिए, यदि आप गाय के लिए ग्रास निकालते हैं या गाय के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी समय आपके जीवन में शुभ कार्य परिणाम देने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।